मेरा नाम विशाल पांडे है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर 16 डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन। क्लास 11 का चैप्टर है ये और बेसिकली हम पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी को ख़त्म करेंगे। तो इसका ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर यही है डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन। तो अब जब हम डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन की बात करते हैं तो बेसिक जो जेस्ट है मैं इसके बारे में दे देता हूँ हल्का हल्का कि मतलब जब हम कुछ खाते हैं बाहर से, सपोज कीजिए हमने कोई चिप्स का पैकेट लिया, उसमें से हमने चिप्स खाया, तो जो चिप्स है उसकी ऐसी फॉर्म नहीं है उस टाइम पे कि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है। उस टाइम उसकी ऐसी फॉर्म नहीं है, वो मैक्रो फॉर्म में, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलेंगे हम उसको उस टाइम पे। और हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए उसको माइक्रो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना पड़ेगा, ब्रेक डाउन होना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स से सिंप्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट होना पड़ेगा ताकि हमारी बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो पाए। और इसी इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन कह रहे हैं। और जब ये डाइजेस्टिव फूड, जब इसे ये बड़ा पीस है समझो, मोटे पार्टिकल्स हैं ये, छोटे 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 डाइजेस्ट हो गए, छोटे 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 सिंपल पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया। अब ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है जहाँ से भी ये एब्जॉर्ब हो रहा है। एब्जॉर्प्शन हमारा बहुत पार्ट्स में होता है, जैसे जब मेजर स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है पर माउथ में भी होता है थोड़ा, ठीक है। तो ये जो होता है तो ये हमारा एब्जॉर्प्शन कैसे कहलाता है, जो ये हमारे छोटे पार्टिकल्स हैं ये जब ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, जब अगर ये ब्लड स्ट्रीम में गए, ब्लड वेसल्स हैं, अगर ब्लड स्ट्रीम में चले गई तो हम इसको एब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं। तो बेसिक जिस्ट यही था, इसको सिंपल फॉर्म में बनाना हमारा डाइजेशन हुआ और इसी को एब्जॉर्ब करके, मतलब एब्जॉर्प्शन मतलब ही यही हुआ कि जो हमारा सिंपल सब्सटेंस है वो जो ब्लड स्ट्रीम में आ गए, इस प्रोसेस को हमने एब्जॉर्प्शन बोल दिया, ठीक है। तो अब लाइन बाई लाइन जाएंगे एनसीईआरटी की और इसको फटाफट से खत्म करने की कोशिश करेंगे। फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबको पता है कि फूड बेसिक रिक्वायरमेंट है ही हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की, सबको चाहिए ही एनर्जी, और फूड से ही हमें एनर्जी मिलती है। तो द मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ आर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। सबको पता ही है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स होते हैं हमारे मेजर फूड में, पर हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है इन तीन के अलावा भी हमें थोड़े अमाउंट में विटामिन्स और मिनरल्स भी चाहिए होते हैं हमारे रेगुलर एक्टिविटीज़ की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे हमने सुना होगा विटामिन डी बोन्स के लिए अच्छा रहता है, विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए अच्छा रहता है, तो और मिनरल्स जैसे आयरन हो गए, आयरन डिफिशेंसी हो गई उससे एनीमिया हो जाता है, तो ये मिनरल्स और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। इनकी कमी की वजह से बेसिकली हमें बहुत सारी डिजीजेस हो सकती है। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। ये बेसिकली फूड का फंक्शन हो गया कि फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू, ठीक है। जब हमें चोट लगती है तो वहां पे रिपेयर होता है टिश्यू, तो इस रिपेयर होने की प्रोसेस को कौन एनर्जी दे रहा होगा, कौन सप्लाई दे रहा होगा, या हमारा फूड दे रहा होगा। इसके बाद हमारी सेकंड लाइन है द वाटर वी टेक इन प्लेस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। अभी वाटर की हमें वाटर के बारे में दे रखा है थोड़ा सा कि उसके फंक्शंस मान लीजिए कि जो भी मैंने अभी बताया डाइजेशन वाले प्रोसेसेस हो रहे हैं, इसको छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम सिंपल फॉर्म में बना रहे हैं और उसमें केमिकल्स एक्ट कर रहे हैं, तो इसके बीच में हमारा जो वाटर है इसको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा वाटर। और इट ऑल्सो प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। सबको पता ही है अगर बॉडी में जितना वाटर रहेगा, जितना H2O रहेगा, उतनी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। अब इसके बाद हमारा डाइजेशन का डेफिनेशन दे रखा है NCERT ने, बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशन है। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स इन फूड कैनॉट बी यूटिलाइज बाय आर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस इन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये मैं आपको बता चुका हूँ अभी कि ये जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो हम बाहर से ले रहे हैं प्रोसेस्ड फूड बेसिकली, वो हमारी बॉडी में ओरिजिनली उन फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, तो हम इन्हें सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। और दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज नोन एज डाइजेशन। इट इज कैरिड आउट बाय डाइजेस्टिव सिस्टम। ये होता कहाँ पे, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड। अब मैकेनिकल मेथड मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, मैकेनिकल जैसे हमारे जो दांत है उससे टीथ है उससे हम चबा रहे हैं उसको, तो ये मैकेनिकल फिजिकल फोर्स हुआ।
जो हमारा टंग है वो मैस्टिकेशन में हेल्प कर रहा है, फूड को मूव कर रहा है, ये हमारा फिजिकल फोर्स हुआ। और बायोकेमिकल मेथड वो हुए जो भी हमारे गैस्ट्रिक जूसेस, जो भी हमें सपोज कीजिए HCL है, पेप्सिन है, आगे हम पढ़ेंगे, ये जो एंजाइम्स हैं, ये जो उस पर एक्ट कर रहे हैं, हमारा बायोकेमिकल मेथड्स हो गए। तो बेसिक ये इंट्रोडक्शन था डाइजेशन का। अब आगे बढ़ते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। द डाइजेस्टिव सिस्टम, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है? एक एलिमेंट्री कैनाल है और उसके उसके रास्ते में जितने भी ग्लैंड्स आ रहे होंगे, जैसे इसके बीच में हमारे ग्लैंड्स आते हैं, पैनक्रियाज आता है, लिवर आता है, ठीक है, ये सारे ग्लैंड्स आते हैं जो अपनी सिक्रीशंस देते हैं, और उन्हीं सिक्रीशंस के अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे फूड को ब्रेक करते हैं। तो अब बेसिकली वन बाय वन जाएंगे, पहले इसका हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड। तो पहले एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे, फिर एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में। तो एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद एन एंटीरियर ओपनिंग एंड द माउथ एंड इट ओपन्स आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनस। ठीक है, तो अब कुछ कुछ बच्चों को डाउट होता है कि इंटीरियर मतलब क्या होता है। ठीक है, इंटीरियर क्या है और पोस्टीरियर क्या है, तो उनका डाउट क्लियर करने के लिए उनका डाउट इस तरह क्लियर होगा कि सपोज करो एक बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, ये उसकी बॉडी है, अगर हम उसका सामने चेस्ट है, समझो चेस्ट एरिया, हम इसे आगे से देख रहे हैं तो हम उसे एंटीरियरली देख रहे हैं। ठीक है, अभी इसको मैं फील करवाऊंगा, दिखाऊंगा ओरिजिनल उसमें, एक मिनट देखना। और अगर हमें बंदा है, ठीक है, हमें इसका बैक दिख रहा है, ठीक है, तो हम उसे पोस्टीरियरली देख रहे हैं। तो जो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा, एलिमेंट्री कैनाल बिगेन्स विद एन एंटीरियर ओपनिंग द माउथ। तो जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ के एंटीरियर ओपनिंग में, ये हमारा माउथ, और पोस्टीरियरली थ्रू एनस। ठीक है, इसको फील आने के लिए हम इसमें देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा, अगर हम देखना चाहें तो ये हमारी ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, अगर हम इसमें से स्किन्स वगैरह हटा दें, ये हमारा स्केलेटल सिस्टम बना, और अब स्केलेटल सिस्टम को भी हटा दें तो ये हमारा होता है मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा। ठीक है, तो हमारा माउथ कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, अगर हम इसको वापस लगाएं, ये हमारा एंटीरियर पार्ट हुआ, हम उसे सामने से देख रहे हैं, और ये हमारा पोस्टीरियर हुआ पार्ट। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं इसमें कि एंटीरियर द एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स विद एंटीरियर द माउथ। ठीक है, ये देख सकते हैं हम माउथ, ये एंटीरियरली प्रेजेंट है, और जो हमारा एनस है विद रिस्पेक्ट टू दिस माउथ, ये तो हमारा थोड़ा पीछे प्रेजेंट है ना, तो इसलिए हम इसे बोल रहे हैं कि जो हमारा एनस है वो पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। ठीक है, समझ आया ये लाइन क्यों लिखी गई है? तो अब आप देख सकते हैं कि इजिली यहां से भी समझ आ जाएगा, ये एंटीरियरली ये माउथ हो गया, ये पोस्टीरियरली हमारा एनस हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। द माउथ लीड्स टू द बकल कैविटी और ओरल कैविटी। ठीक है, तो जो हमारा माउथ है, जब हम आ करते हैं तो उसके अंदर जो भी स्पेस है हम उसे ओरल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, उसको हम ओरल कैविटी कह रहे हैं। तो ओरल कैविटी हैज अ नंबर ऑफ टीथ एंड मस्कुलर टंग। ये तो नॉर्मल फीचर है, सबको पता है, ओरल कैविटी के अंदर हमारी दांत है और मस्कुलर टंग है। ईच टू दिस एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। अब हमारे ना दांत के बहुत टाइप होते हैं, जैसे हमारे पूरी मैमल्स हो गए या फिर पूरे एनिमल हो गए जो भी हैं जिनमें दांत होते हैं, वो बहुत तरीके के दांत होते हैं, जिन उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो हमें हमारे जो ह्यूमन बींग है, हम ह्यूमन का ही फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर एक स्पेशल टाइप का होता है जिसे हम बोलते हैं थीकोडोंट। थीकोडोंट मतलब सपोज करे जैसे कि ये गम्स है ना हमारे दांत के, तो इसमें हमारा दांत एम्बेड हो रखा है, तो हम इसको ये हमारा टीथ है। ठीक है, हमारा टीथ है, ये उसमें एम्बेड हो रखा है, एम्बेड मतलब गड़ा हुआ है। तो इस टाइप के फीचर को, इस टाइप के दांत वाले प्रॉपर्टीज को हम थीकोडोंट बोलते हैं। तो हमारे ह्यूमन के जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें पहला हमारा आता है कि हमारे ह्यूमन के जो दांत है वो हमारे थीकोडोंट है। ठीक है, अब उसके बाद दे रखा है थोड़ा, मेजोरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स
forms two set of teeth during their life. A set of temporary milk or deciduous teeth replaced by a set of permanent or adult teeth. अब इसका मतलब क्या है? ठीक है, this type of dentition is called diphodont. अब पहला characteristic हमने पढ़ा वो thecodont होता है. अब second characteristic हम पढ़ रहे हैं human के जो दांत हैं उनके बारे में, कि इनको हम diphodont भी कह सकते हैं. जैसे properties होती हैं दांतों की, monodont, ठीक है, diphodont, तो monodiphodont, didiphodont. तो डाइडाइफोडोंट मतलब ये है कि जैसे हम बचपन से ही घर में सुनते आ रहे हैं कि तेरे तो दूध के दांत हैं, सपोज कीजिए कि तेरे तो दूध के दांत अभी झड़ जाएंगे उसके बाद परमानेंट वाले आएंगे. तो किनी किनी मैमल्स में ऐसा नहीं होता है, उनमें एक ही बार ही लाइफ टाइम में, पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार दांत आते हैं, उन्हें मोनोडाइफोडोंट कहते हैं. ठीक है, और पर हमारी जो ह्यूमन है उनके में ऐसा नहीं होता, वहां पे आते हैं हमारा दो बार ही आते हैं, एक टेम्परेरी मिल्क आएगा फिर वो हटेगा उसके बाद हमारा परमानेंट आएगा. ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम डाइफोडोंट कह रहे हैं. अब थर्ड प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ सकते हैं ह्यूमन दांत के टीथ के बारे में. एन एडल्ट ह्यूमन बीन ह्यूमन हैज 32 परमानेंट टीथ व्हिच आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स. ठीक है, अब ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई हेटरोडोंट डेंटिशन हम इसको कह रहे हैं. ठीक है, ह्यूमन के बाद एक और कैरेक्टरिस्टिक आ गया हेटरोडोंट. हेटरोडोंट मतलब कि जो हमारे दांत हैं वो हमारे पास चार टाइप के हैं. क्या टाइप है? ICPM, incisor, canine, premolar, molar. अब ये जो दांत है इनको रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्मूला दे रखा है जिसे हम कहते हैं डेंटल फॉर्मूला. ठीक है, जिसका है 2 1 2 3 2 1 2 3. ठीक है, तो ये हमारा आई है, ये सी है, ये पी है, ये एम है. तो हम अगर नीचे जाके देखें तो किस तरह रिप्रेजेंट किया गया है, ये हमारा हाफ जो है नीचे वाला, लोअर जो है, अपर जो किसी को भी ले लो, उसके हाफ को इस तरह दिखाया गया है कि इंसिजर 2 हो गए, केनाइन 1 हो गया, प्रीमोलर 3 हो गए, ये 2 हो गए. यहाँ भी सेम ही चीज होगी, या अपर ले लो या लोअर जो ले लो, सेम ही होगा. तो उसका हाफ करके हमारा डेंटल फॉर्मूला बना गया है. ठीक है, जो हमारा ये 2 1 2 3 है, 2 1 2 3 है, ये हमारा एडल्ट का फॉर्मूला है. ठीक है, ये एडल्ट का है. जब एडल्ट नहीं है बंदा तो उसके ये जो हमारे मोलर्स हैं वो नहीं प्रेजेंट होंगे. ओके, मोलर्स हमारे प्रेजेंट नहीं होंगे. तो एडल्ट का फॉर्मूला है बेसिकली, यही कहना चाह रहा हूं. तो आगे कंटिन्यू करेंगे. जो हमारा डेंटल फॉर्मूला है इस पे नीट पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं. तो बेसिकली इसमें क्या डिफरेंस रहता है, जो हमारा इन्फेंट रहता है उसका डेंटल फॉर्मूला डिफरेंट रहता है. उसका डेंटल फॉर्मूला होता है 2 1 0 2. ठीक है, और 2 1 0 2. अब ये क्यों है? अब ये तो सेम है, आई सी दोनों ये सेम है. इसमें क्या होता है, जो इन्फेंट होता है उसमें प्री मोलर नहीं आता है और जो मोलर है उसका एक लास्ट वाला नहीं आता है. ठीक है, तो ये 3 दांत हमारे नहीं आते इन्फेंट में और ये हमारे एडल्ट में प्रेजेंट होते हैं. तो आप ये इससे ये कंक्लूड कर सकते हो, जो हमारा इन्फेंट है उसका फॉर्मूला हमारा हुआ 2 1 0 2 2 1 0 2, और जो हमारा एडल्ट का है हमारा वो है 2 1 2 3 2 1 2 3. तो हमारा आप देख सकते हो कि ये जो हमारा आई सी पी एम, तो ये जो हमारा इन्फेंट वाला है, ये हमारा जो इंसीजर्स हैं ये तो हमारे बचपन से ही प्रेजेंट है और ये टूटेंगे और बाद में भी आएंगे. पर जो हमारे जो प्री मोलर हैं, और ये मोलर का लास्ट वाला है, ये तो हमारे सिर्फ एडल्टहुड में आ रहे हैं. आप खुद देखो, जो हमारे एडल्ट में जाके ही तो आ रहे हैं ये 2 1 2, और ये लास्ट वाला आप अगर सपोज कर सकें कि ये जो आई सी है, ICPM, जो हमारा ये इंसीजर्स है, ये तो हमारे लाइफ टाइम में आएंगे और जाएंगे, ये तो हमारे बचपन से ही प्रेजेंट है. पर जो हमारा प्री मोलर है ये एडल्ट होने के बाद सिर्फ एक बार ही आते हैं. ठीक है, तो इस फीचर को हम, ये प्री मोलर और ये जो मोलर 3 होते हैं उनमें से एक जो होता है हमारा लास्ट वाला वो. तो ये जो हमारे 3 दांत हैं ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं, ये एक पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार ही आ रहे हैं. तो हम इनको क्या कह सकते हैं, मोनो डाइफो
डॉन्ट, ठीक है, तो हम इनको मोनोडाइफोडॉन्ट कह सकते हैं। तो हमारा डेंटेशन वाला ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो चलो इन्हें थोड़ा इरेज कर लेते हैं, काफी कचड़ पचड़ हो गया, इरेज करके मिलता हूँ। हो गया इरेज। तो अब हम कहाँ पे थे, हमने दांत की डेंटिशन फॉर्मूला को पढ़ लिया था अच्छी तरीके से। अब इसके बाद हम आते हैं, द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ मेड अप ऑफ इनेमल हेल्प्स इन द मास्टिकेशन ऑफ द फूड। ठीक है, अब जैसे हमारा सपोज कीजिए दांत है, ये दांत है हमारा, तो ये जो उसके ऊपर जो कोटिंग होती है ना, सबसे ऊपर कोटिंग जो होती है, इसके अंदर तो ब्लड सप्लाई होती है, यहाँ पे एक और लेयर होता है, पल्प वाला लेयर होता है, सीमेंटम लेयर होता है, तो अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं जो सेंसेशन दे रही होती हैं। जो सबसे ऊपर होता है हम इसे एनामल बोलते हैं, ठीक है, इसे हम एनामल बोलते हैं, और ये सबसे हार्डेस्ट होता है, ठीक है, और इससे ये फूड मास्टिकेशन में बेसिकली हमें हेल्प करता है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, द टंग इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गेन अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फ्रेनुलम। ठीक है, जैसे हम सपोज कीजिए हमारा टंग है और ये हमारा दांत है, हम आ कर रहे हैं, सपोज कीजिए आ कर रहे हैं, तो जो टंग के नीचे ऐसे करके एक चीज होती है, ये एक मसल टाइप का होता है, इसको हम कहते हैं फ्रेनुलम। बेसिकली मैं इसकी आपको फोटो भी दिखा सकता हूँ, एक मिनट रुकिए, तो आप लोग देख सकते हो आप कि बेसिकली हमारा टंग है, और टंग के नीचे जो ये मसल होती है, ये इसको यहाँ के लोअर पार्ट के ओरल कैविटी के लोअर पार्ट की फ्लोर से ज्वाइंट करके रखती है, ये जो इसको हम फ्रेनुलम कहते हैं, इसको हम फ्रेनुलम कहते हैं। और जो हमारे जो टंग है, अभी दिखा देता हूँ आगे पढ़ने वाले हैं, के इधर ये छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं, इसको हम कहते हैं पैपलेज। ये जो है इन्हें हम, ये रहे, इन्हें हम पैपले कहते हैं, ठीक है, सर्कुलर पैपले, ये बेसिकली एज अ टेस्ट बड के काम आते हैं हमारे। तो अभी वापस बुक के पास चलते हैं, ठीक है, तो समझ आ गया होगा कि फ्रेनुलम क्या है। तो आगे बढ़, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ तक तो पढ़ दिया था, फ्रेनुलम तक, तो द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पैपले, ये भी आपको दिखा दिया, सम ऑफ विच बियर टेस्ट बड्स, टेस्ट के लिए हमें जरूरत रहता है वो पैपले का, ठीक है। द ओरल कैविटी लीड्स टू अ शॉर्ट फेरिंग्स विच सर्व एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। हमारा जो ओरल कैविटी है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये जो हमारा फेरिंग्स है वहां पे, यहाँ पे जाके यहाँ पे शुरू होता है, मतलब माउथ से स्टार्ट हुआ, फेरिंग्स में जाके हमारा यहाँ से बाइफरकेट होगा, ये ट्रेकिया और ईसोफेगस में, ठीक है। तो ये कॉमन पैसेज हो गया हमारा, बाइफरकेशन पॉइंट है ये हमारा, ये जो कॉमन पैसेज है, ये हमारा फेरिंग्स है, इधर से हमारा एक ईसोफेगस जाएगा और एक हमारा विंडपाइप जाएगा, ठीक है। तो यही वो कहना चाह रहे हैं, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। जो ट्रेकिया है वो तो लंग्स के पास जा रहा है, तो वो तो एयर के लिए हो गया। द ईसोफेगस एंड द ट्रेकिया, ट्रेकिया को ही विंड पाइप कह रहे हैं, ओपन्स इनटू अ फेरिंग्स, ठीक है, अ कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप ड्यूरिंग स्वॉलोइंग। अब ग्लॉटिस क्या है, ग्लॉटिस क्या है, जो विंड पाइप हमारा ट्रेकिया है उसकी ओपनिंग को हम ग्लॉटिस कह रहे हैं। अब वो ग्लॉटिस के ऊपर एक छोटा सा लाइक अ कवर, लाइक अ एक मस्कुलर शीत होती है बेसिकली, उसको मान सकते हैं। तो ये जो पार्ट है हमारा, ये यहाँ पे हमारा एपिग्लॉटिस होगा, ठीक है, ये हमारा एपिग्लॉटिस होगा, ये जो ग्लॉटिस का स्टार्टिंग पार्ट है ये इसको कवर करेगा। बेसिकली होता क्या है, सपोज कीजिए ये मसल ऐसे है और ये हमारा ट्रेकिया है, और यहाँ से हमारा ईसोफेगस जा रहा है, ये हमारा ट्रेकिया है, ठीक है, ये हमारा ट्रेकिया है, सपोज कीजिए हमारा ट्रेकिया है, ये हमारा कॉमन पैसेज हो गया। तो यहाँ से हमारा फूड पार्टिकल आए, फूड पार्टिकल आए, तो जब फूड पार्टिकल आ रहे होते हैं
फूड पार्टिकल आ रहे होते हैं, तो जो हमारा ये हमारा जो ट्रेकिया है, जो हमारा फूड पार्टिकल आया, सपोज कीजिए फूड पार्टिकल आया, तो ये जो हमारा कार्टिलेजिनस फ्लैप है ये बंद हो जाता है, बंद होके ये ऐसा हो जाएगा, ताकि जो फूड पार्टिकल है वो विंड पाइप के अंदर ना जाए और ट्रेकिया के अंदर चल जाए। अगर विंड पाइप के अंदर चला गया तो ये बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग को एरर करेगा, क्योंकि लंग्स के पास फिर खाना जाएगा, वो थोड़ी वहां पे इन्फेक्शन उनके 100% चांसेस रहेंगे इसके। तो इसी तरह हमारा एपिग्लॉटिस काम करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। द ईसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, थोरेक्स एंड डायफ्राम एंड लीड्स टू अ जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक। अभी ईसोफेगस के बारे में बता रहे हैं, थिन ट्यूब है, लॉन्ग ट्यूब है, स्टार्ट कहाँ से होती है, नेक के पास से स्टार्ट होती है, फिर थोरेक्स के पास आती है, थोरेक्स के हमारी छाती होगी एंड द डायफ्राम, फिर डायफ्राम के पास आई, फिर आके हमारा यहाँ पे स्टमक से अटैच होती है। अब मस्कुलर स्फिंक्टर कॉल्ड गैस्ट्रो ईसोफीगल स्फिंक्टर, ठीक है। अब स्फिंक्टर क्या होता है? स्फिंक्टर बेसिकली क्या होता है, सपोज कीजिए आपका कोई पाउच है, ठीक है, इसके इधर आपने कुछ रिस्ट्रिक्शन, कोई रस्सी बांध दी है, सपोज कीजिए रस्सी बांध दी है टाइट से, जब ये रस्सी टाइट होगी तो हमारे इसके अंदर का कंटेंट बाहर नहीं जा पाएगा, और जैसे ही ये रिलैक्स कर जाएगी ये कंटेंट बाहर स्पिल आउट हो जाएगा। तो इसी तरह हमारा स्फिंक्टर काम करता है, ठीक है, इसी तरह हमारा स्फिंक्टर काम करता है। और ये जो गैस्ट्रो ईसोफिगल स्फिंक्टर हमने इसमें पढ़ा, वो एग्जैक्टली यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो हमारा ईसोफेगस से जो भी फूड पार्टिकल्स आ रहे हैं उसको स्टमक में आने में अलाउ करता है। अगर ये टाइट होगा, और यहाँ पे जो टाइट होगा, सपोज कीजिए कोई ऊपर से देख रहे हैं, अगर ये टाइट है, एकदम टाइट है, तो यहाँ का जो ल्यूमन, जो कैविटी है वो छोटी हो जाएगी, तो खाना नहीं जा पाएगा, और अगर जब इसके मसल रिलैक्स होंगे तो ये दूर दूर होंगे तो इसमें से इजीली खाना चले जाएगा। तो बेसिकली जब यहाँ से यहाँ खाना जाता है तो ये स्फिंक्टर रिलैक्स होते हैं, और जब नहीं जाना होता है, जब स्टमक पहले से फुल है, तो यहाँ पे इसके पास सिग्नल आता है कि ये कॉन्ट्रैक्टेड रहे और ऊपर से और खाना ना आए, ठीक है। कहीं कहीं हम आगे जाके पढ़ेंगे, कहीं कहीं जब ये स्फिंक्टर अच्छे से काम नहीं करता है या फिर ये किसी कारण से लूज पड़ जाता है और ओपन रह जाता है, तो जो इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है ना बहुत सारा, जो बहुत हार्मफुल रहता है, उसका पीएच बहुत हाई रहता है, 1 पॉइंट समथिंग रहता है, तो ये हमारे ऊपर चले जाता है, मतलब ईसोफेगस के पास चले जाता है, जिससे हमें एक बीमारी गर्ड, गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्स समथिंग की दिक्कत आने लगती है। ये तो एक्स्ट्रा मैंने पढ़ा दिया आपको बेसिक नॉलेज के लिए। तो आगे पढ़ते हैं। रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू द स्टमक। द स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी हैज 3 मेजर पार्ट्स, कार्डियक पोर्शन इनटू विच द ईसोफेगल ओपन्स, फंडिक रीजन एंड द पाइलोरिक पोर्शन विच ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब इसके बारे में बता रखा है, जो हमारा इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। अब देख लो, ये स्टमक का ये क्या पार्ट है, हमारा फंडस पार्ट है, हमारा स्टमक का ये हमारा फंडस है, और ये जो इधर वाला एरिया ये कार्डियक है, और ये पाइलोरिक एरिया है, और जो स्टमक के ये जो पाइलोरिक एरिया है, इसके बाद हमारा ये यू शेप ड्यूओडेनम स्टार्ट होता है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। और जब हम अब स्फिंक्टर्स की बात यहाँ पे हमने की है, तो यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर होता है जो हमारा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जो खाना जा रहा है उसको रेगुलेट करता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने बेसिकली पहले पढ़ लिया कि इसके स्टमक का क्या है, फंडिक रीजन, पाइलोरिक पोर्शन, ओपन फर्स्ट इनटू द इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या क्या पार्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इंटू 3 रीजन, अ यू शेप्ड ड्यूओडेनम, ठीक है, यू शेप्ड रहता है, देख लीजिए ऊपर, ये जो पार्ट है यू शेप्ड है, ये हमारा ड्यूओडेनम हुआ, इसके बाद हमारा जेजुनम आता है जो माइल्डली कॉइल रहता है, उसके बाद हमारा आता है ईलियम जो ज्यादा कॉइल रहता है, ठीक है। तो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट रहते हैं, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द ड्यूओडेनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो यहाँ पे जो स्फिंक्टर प्रेजेंट है हम इसे कह रहे हैं पाइलोरिक। तो अभी तक कितने स्फिंक्टर पकड़ लिए हमने, गैस्ट्रो ईसोफेगल और पाइलोरिक स्फिंक्टर, सबके फंक्शन देख लीजिए, ये इससे इधर खाने नहीं जाने देगा, ये इधर से इधर नहीं आना देगा, तो बेसिकली काम मेनली यही है, रिस्ट्रिक्शन देना या फिर रिलैक्स होगा तो आने देना, तो गेटवे की तरह काम कर रहा है हमारा। द इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन,
इट कंसिस्ट ऑफ सीकम कोलन एंड रेक्टम. द सीकम इज स्मॉल ब्लाइंड सैक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो हमारी बॉडी के लिए नीड है, मतलब जो हमको हाई नहीं, हाई क्या बोलते हैं, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है. तो अब हमने लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ना है. तो लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये यहाँ पे हमारा इलियम खत्म हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन का. उसके बाद हमारा ये जो पार्ट है वो हमारा सीकम है. सीकम ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, छोटे से ऊपर की तरफ जा रहा है. तो ये हमारा क्या हुआ, एसेंडिक कोलन हो गया. ये हमारा ये सीकम पार्ट है. इसके बाद हमारा कोलन पार्ट स्टार्ट हो जाता है. तो कोलन क्या होता है, एसेंडिंग कोलन. अब ये ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स मतलब हॉरिजॉन्टल, ये हमारी हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ये हमारी ट्रांसवर्स हो गई और ये हमारी ट्रांसवर्स कोलन है. उसके बाद ये ऊपर से नीचे आ रहा है, बड़े से छोटा आ रहा है, तो ये हमारा डिसेंडिंग कोलन हो गया. डिसेंडिंग कोलन के बाद ये हमारा जो ये वाला पार्ट है हम इसे रेक्टम कह रहे हैं. और लास्ट जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का एग्जिट, उसे हम एनस कह रहे हैं. ठीक है, तो अभी तक इतना ही पढ़ना था. और उसके बाद एक और लाइन लिखी है, फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन द वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स विच इज अ वेस्टिलियल ऑर्गन अराइजेस फ्रॉम द सीकम एंड द सीकम ओपन्स टू द कोलम. द कोलन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, द असेंडिंग एंड ट्रांसवर्स एंड अ डिसेंडिंग पार्ट. अभी हम देख चुके हैं, द डिसेंडिंग पार्ट ओपन्स टू द रेक्टम विच ओपन्स आउट थ्रू द एनस. ये हमारा एंड हो गया. तो हमारा मेन पॉइंट क्या था, यहाँ पे हमारा एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है. वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब जो कभी भी किसी हमारे बॉडी की फंक्शनिंग में कोई हेल्प नहीं करता. जैसे सबका अपना अपना फंक्शन है, स्टमक का अपना फंक्शन है, इसोफेगस का अपना फंक्शन है. इसका ये देख रहे हैं आप लोग, ये जो छोटा सा है इसे हम कह रहे हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स. ऐसा ऐसा शेप का है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर की तरह दिख रहा है ना, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं. और इसका कोई फंक्शन नहीं होता. अभी तक रिसर्चेस चल रही है कि मतलब इसका क्या यूज है, बॉडी में है तो कोई तो यूज होगा, पर अभी तक कुछ पता नहीं लगा, इसलिए हम इसे वेस्टिजियल ऑर्गन ही कहते हैं. अब आगे बढ़ते हैं. द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम द ईसोफेगस टू रेक्टम पोजेसेस फोर लेयर्स. अब जैसे हमने जो ईसोफेगस से स्टार्ट हुआ जो हमारा ये पाइप जाके खत्म क्या हो रहा है, रेक्टम में, रेक्टम एनस में खत्म हो रहा है हमारा. तो इसके बीच में अगर हम उसको इस पाइप को ऊपर से काटेंगे, ठीक है, ऊपर से अगर हम काट रहे हैं और देख रहे हैं उसके अंदर कौन सी लेयर्स प्रेजेंट है और उन लेयर्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, किसी में ब्लड वेसल्स है, किसके अंदर ग्लैंड है, कोई कुछ सिक्रीट कर रहा है, तो क्या है, अब उसको हम पढ़ेंगे. तो बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमारे दो कितने, फोर लेयर्स हो रहे हैं, सेरोसा मस्कुलारिस, सब म्यूकोसा म्यूकोसा. ठीक है, सेरोसा हमारा भार वाला लेयर हो गया. एक बारी इसमें देख लेते हैं, सेरोसा हमारा भार वाला लेयर हो गया. और उसके बाद हमारा आता है मस्कुलारिस लेयर, जिसके दो पार्ट है. इनर जो पार्ट है हमारा, इनर वाला ये जो पार्ट है हमारा, जो इनर वाला पार्ट है, जो इनर वाला पार्ट है ये हमारा सर्कुलर है, और जो हमारा आउटर है वो लॉन्गिट्यूडनल है. अभी सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल में क्या कहना चाह रहे हैं, इनर वाले की जो फाइबर्स हैं समझो, जो भी स्मूथ मसल्स हैं, वो किस तरह अरेंज है, वो इस तरह कॉयल शेप में अरेंज है. ठीक है, इसलिए हमें ऊपर से देखने में ये सर्कुलर दिख रहा है. और जो हमारे आउटर वाले जो लॉन्गिट्यूडनल बोल रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल मतलब होते हैं सीधा सीधा ना, लॉन्गिट्यूडनल मतलब ये वर्टिकल, तो उसके फाइबर्स इस तरह अरेंज है, इस तरह अरेंज है. तो हम इन्हें ऊपर से देखेंगे तो ऐसे दिखेंगे, ऊपर से अगर हम उन्हें देखेंगे तो ये हमें ऐसे ही दिखेंगे ना. तो मस्कुलारिस लेयर ये हो गई सेकेंड. उसके बाद आती है हमारी सब म्यूकोसा लेयर. उसके बाद हमारा ये सब म्यूकोसा हो गया, ये म्यूकोसा हो गया, ये हमारा ल्यूमन हो गया, जिसके अंदर हमारी सारी चीजें आ रही हैं, पार्टिकल्स आ रहे हैं, और इसके अंदर इसके एंजाइम्स जो भी हमारे सिक्रीट हो रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, ये हमारा ल्यूमन हो रहा है, जिसमें सारी एक्टिविटीज हो रही है. ह्यूमन बेसिकली क्या है, एक कैविटी है, एक खाली जगह है जहाँ पे ये सब रिएक्शन हो रहे हैं. तो आगे बढ़ते हैं. और द सेरोसा इज थिन आउटर मोस्ट लेयर एंड इज मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियम एपिथेलियम ऑफ द विसरल ऑर्गन. ठीक है, जो हमारा सेरोसा है उसको उसका स्ट्रक्चर मतलब है क्या, वो चीज उसे हम मेसोथेलियम बोलते हैं. तो एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन आपने पढ़ा होगा, एपिथेलियम मतलब साइड कवर, मतलब कह सकते हैं एपिथीलियम, जैसे हमने टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़े थे एपिथीलियल सेल्स, उनसे बना होता है ये एपिथीलियल. ठीक है, तो ये जो सेल सेल की लेयर, सेल वॉल होगी विसरल ऑर्गन की, हम उसे मीसोथीलियम कहते हैं.
विद सम कनेक्टिव टिश्यू। तो इस सेरोसा के अंदर कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं। अब हम मस्कुलारिस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। मस्कुलारिस इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स, ठीक है, इसके अंदर स्मूथ मसल्स हैं, यूजुअली अरेंज इनटू सर्कुलर, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल, अभी हमने पढ़ा इसके बारे में। एंड ऑब्लिक मसल लेयर मे बी प्रेजेंट इन सब रीजन, ठीक है। द सब म्यूकोजल लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व, ब्लड, लिम्फ वेसल्स, ठीक है। जो हमारा सब म्यूकोसा वाली लेयर है, इसके अंदर हमारे क्या क्या प्रेजेंट है, नर्व्स, ब्लड और लिम्फ वेसल। लिम्फ वेसल का क्या काम होता है, मेनली हमारी बॉडी में ड्रेनेज का, ठीक है। द इनर मोस्ट लाइनिंग, नहीं यहाँ पे थे हम। द इन ड्यूओडेनम द ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। जैसे बेसिकली क्या, हमारा जो पूरा पाथवे है एलिमेंट्री कैनाल का, वहां पे सब म्यूकोसा में रेयरली ही प्रेजेंट होते हैं ग्लैंड, बाकी हमारे म्यूकोसा में ही प्रेजेंट होते हैं। तो जो सब म्यूकोसा में हमारा प्रेजेंट है ना, वो हमारा कौन सा ग्लैंड है, आगे जाके पढ़ेंगे हम, ब्रूनर्स ग्लैंड है बेसिकली, आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। एब्जॉर्प्शन जो पढ़ेंगे, ब्रूनर्स ग्लैंड है, तो सब म्यूकोसा के अंदर ये भी प्रेजेंट होता है। अब जो सब म्यूकोसा की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो ये भी पढ़ लेते हैं। द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज म्यूकोसा, ठीक है। सबसे तो इनर मोस्ट, सबसे अंदर वाली लेयर है हमारी म्यूकोसा। उसके बाद हमारा आ जाता है उसके बाद ल्यूमन। तो दिस लेयर फॉर्म्स अ इररेगुलर फोल्ड्स कॉल्ड रूगे इन द स्टमक एंड फिंगर लाइक फोल्डिंग्स कॉल्ड विलाय इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो जो म्यूकोसा है, इसकी भी मॉडिफिकेशन है हर पूरी बॉडी पार्ट में, आगे आगे जाके कहीं पे किस तरह फॉर्म हो रहा है। जैसे यहाँ पे ऐसे टाइप के प्रोजेक्शंस बना रहा है, इसको हम रोगे कह रहे हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे ऐसा बना रहा है, इसको स्टमक में हम इसे रोगे कह रहे हैं। बट इसी के बट ये स्मॉल इंटेस्टाइन में डिफरेंटली बिहेव कर रहा है और इस तरह के फोल्ड्स बना रहा है, जिन्हें हम विलाय कह रहे हैं। द सेल्स लाइनिंग द विलाय प्रोड्यूस न्यूमरस। अब जो विलाय है, इसके पास भी जो ये छोटे छोटे सेल्स हैं, इसके पास भी छोटी छोटी ऐसे ऐसे प्रोजेक्शन है, जिसको हम कहते हैं माइक्रो विलाय। बेसिकली इनका क्या काम रहता है, ये जो हमारी एब्जॉर्प्शन होती है मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है, तो ये उसमें सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। अब आप कहोगे कैसे सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। आप सपोज करो यहाँ एक प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे फूड रखा हुआ है, यहाँ एब्जॉर्प्शन होना है, तो इसका है हमारा 5 सेंटीमीटर लेंथ। और सपोज करो आप इसी के अंदर इतनी सारी ये ऐसे कर दोगे, तो इसकी लेंथ इंक्रीज नहीं होगी। अगर इसको आप स्ट्रेच करोगे या फिर इसको देखेंगे ऊपर से, तो इसमें ये वाली लेंथ भी ऐड होगी, ये वाली भी होगी, यहाँ भी होगा एब्जॉर्प्शन, यहाँ भी होगा, इसके अंदर जो जगह है उधर भी होगा, यहाँ भी होगा। यही कहना चाह रहा हूँ, यहाँ ये वाला लेंथ देखो, ये वाला देखो, इस 5 सेंटीमीटर से तो कई ज्यादा हो गया ना, ये आप खुद ही नॉर्मली हिसाब लगा सकते हैं। तो बेसिकली यही फंक्शन होता है माइक्रोविलाय का, कि ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है ताकि हमारा जो डाइजेशन है वो आसानी से हो जाए। दिस मॉडिफिकेशन इंक्रीज द सरफेस एरिया इनॉर्मसली, ठीक है, यही मैंने कहा भी आपको। विलाय आर सप्लाइड विद नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपिलरीज, एंड अ लार्ज लिम्फ वेसल कॉल्ड लैक्टियल। तो ये जो लिम्फ वेसल्स है हमारे यहाँ पे, ये जो येल्लो में है, ये जो है हमारे, इन्हें हमने लैक्टियल कहा है। क्या कहा है, लैक्टियल। बेसिकली इनका क्या फंक्शन है, ये भी हमारे मतलब ड्रेनेज में हेल्प करते हैं लिम्फ वेसल। यहाँ से कोई सब्सटेंस है ब्लड वेसल में नहीं जा पा रहा, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो रहा है, तो लिम्फ में आएगा, लिम्फ से हमारे ब्लड वेसल्स में जा सकता है। आगे हम जब फैट्स के बारे में पढ़ेंगे, फैट्स के एब्जॉर्प्शन के बारे में, तब हमें ये बात समझ आएगी। तो आगे बढ़ते हैं। द म्यूकोसल एपिथीलियम हैज गॉबलेट सेल्स विच सिक्रीट म्यूकस दैट हेल्प इन लुब्रिकेशन। अब जैसे हम खाना खा रहे हैं और फूड गया अंदर, तो वो तो एकदम रफ रफ हो जाएगा ना, अगर उसमें कोई लिक्विड पार्टिकल नहीं रहेगा, तो जो म्यूकस का क्या काम रहता है, उसको लुब्रिकेट करके रखना, ठीक है। लुब्रिकेट रहेगा तो एक साथ होल्ड बना रहेगा उसमें। तो म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म्स ग्लैंड्स इन द स्टमक, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड क्रिप्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ द विलाय इन द इंटेस्टाइन। ऑल द फोर लेयर्स शो मॉडिफिकेशन, ये मेन लाइन है, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो हमने ये मत सोचना कि हमने एनसीईआरटी में पढ़ लिया और बस इतनी ही मॉडिफिकेशन है, बहुत मॉडिफिकेशन है इन
लेयर्स की हर पार्ट में अलग कुछ ग्लैंड एक्स्ट्रा होंगे, कुछ नहीं प्रेजेंट होंगे। तो हमारा जो मैंने आपको बताया था म्यूकोसा में, हमारा जो स्टमक का म्यूकोसा है उसमें हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, और ये जो हम कह रहे क्रिप्ट, ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके बीच में, जो विलाय के बीच में एक ग्लैंड होंगे जिन्हें हम क्रिप्ट कहेंगे, ठीक है, इनका नाम है क्रिप्ट और लिबर कोन, ठीक है। ऑल द फोर लेयर शो मॉडिफिकेशन, ये बात याद रखना, ये इतना ही नहीं है, आगे भी बहुत मॉडिफिकेशन शो करते हैं। तो एक बारी देख लेते हैं, अभी हमने पढ़ा कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय क्या चीज है। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहती हैं, ठीक है, वो हमारे हो गए विलाय, वो हमारे ये हो गए हमारे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स जो हैं इन्हें हम विलाय कह रहे हैं, ठीक है। पर जो इसी सेल्स को अगर हम लोग जूम करेंगे, जूम करके देख रहे हैं, ये जो सेल्स की कलेक्शन से जो बना है, ये जिस भी सेल्स की कलेक्शन से बना है ये, उस सेल्स के ऊपर देखो, उसकी सेल्स के ऊपर देखो, ऐसे ऐसे लाइनिंग प्रेजेंट है। उन्हीं लाइनिंग को हम कह रहे हैं, उन्हीं लाइनिंग को हम कह रहे हैं माइक्रोविलाय, ठीक है, उन्हीं लाइनिंग को हम कह रहे हैं माइक्रोविलाय। और जो हमारे जो वो विलाय हैं इनके बीच में जो प्रेजेंट है, हम इसे कह रहे हैं क्रिप्ट्स, अभी पढ़ा हमने इसको, हम कह रहे हैं क्रिप्ट्स। तो ये हमारा क्रिप्ट्स है, ठीक है, और ये हमारे ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, ये विलाय थे हमारे, और ये जो इस विलाय के ईच सेल्स के ऊपर जो छोटे 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 प्रेजेंट है इसको हम कह रहे हैं माइक्रोविलाय। ओके, अंडरस्टैंड? तो वापस चलते हैं हम तो बेसिकली, अब हमने मेन स्ट्रक्चर्स और क्या क्या आ रहा है उसके बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है।